बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर ऑनलाइन टैक्सी की बात आए तो करीम और उबर का नाम सर फहरिस्त आता है। करीम और उबर ने दुनिया को मुतारिफ़ कराया है कि आप घर बैठे टैक्सी को मंगा कर सस्ते किराए में कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं। पहले पहले लोगों को टैक्सी में सफ़र करने में बड़ी दुश्वारी पेश आया करती थी। टैक्सी वाले को रोकना, फिर उसके साथ किराए को तय करना, फिर उसका जाना ना जाना ये भी कंफर्म ना हुआ करता था। तो बहरहाल ये ऑनलाइन टैक्सियों ने आवाम के लिए ये बड़ी सहूलत बनाई है कि आप घर में बैठकर किसी भी टैक्सी को बुला सकते हैं। तो इसी तरह की आजकल एक ऐप चल रही है in.driver, जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान में भी ये तकरीबन एक साल के करीब हो चुका है कि इस पर काम हो रहा है। in.driver करीम और उबर के मुकाबले में बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि करीम और उबर जब शुरू शुरू में आई थी तो इन्होंने आवाम को बहुत सहूलत दी थी और अपने पार्टनर्स के लिए भी इन्होंने बहुत सहूलत दी थी, यानी आवाम और पार्टनर्स दोनों को फ़ायदा था। तो इस कंपनियां अपना ज़्यादा कमीशन नहीं लेती थी, मगर जब ये चल गई तो इन्होंने अपना कमीशन ज़्यादा रखना शुरू कर दिया। तो बहरहाल अगर in.driver की बात करें तो ये नहायत ईजी आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप इसे करीम और उबर की तरह यूज़ करके किसी भी गाड़ी को बुला सकते हैं, मोटरसाइकिल हो, सुजुकी बुलाना चाहें, कार बुलाना चाहें। तो इसमें मज़े की बात सिर्फ ये है दोस्तों कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से किराया तय कर सकते हैं। जी हाँ, मिसाल के तौर पर मिसाल आपको यूँ देते हैं कि अब अगर आपने लाहौर से इस्लामाबाद से या लाहौर से इस्लामाबाद जाना है या इस्लामाबाद से लाहौर जाना है, किराया बनता है 2000 रुपये, तो आप इसमें अपनी मर्ज़ी से किराया यानी 800 भी डाल सकते हैं। अब 800 जब आप डालेंगे किराया, तो अगर किसी कैप्टन को जाना हुआ, किसी बंदे को जाना हुआ आपके मुख्तस किए हुए किराए पर, तो वो आपकी राइड को एक्सेप्ट करेगा और आपके पास फ़ौरन ही पहुँच जाएगा। इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से किराया तय करके कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं। रही बात कि आप जो लोग इस पर अपनी गाड़ियों को लगवाना चाहें वो किस तरह लगवा सकते हैं, तो इनके लिए सिंपल है। आप गूगल मैप ऑन करके लिख लें in.driver ऑफिस के, यहाँ पर आपके शहर में किस किस जगह पर in.driver की ऑफिस किस जगह है, कहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं, तो वो आपको मैप खुद ही बता देगा कि फ़लाँ फ़लाँ जगह पर in.driver का ऑफिस है। तो वो आप मैप के ज़रिए देखकर जाकर उनके ऑफिस में अपनी गाड़ी के आपके पास कागजात होने चाहिए, मोटरसाइकिल के कागजात होने चाहिए, लाइसेंस आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आप फौरी फ्री रजिस्ट्रेशन करवा कर in.driver की कैप्टन बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको तफसीली वीडियो चाहिए हो कि in.driver में कैसे काम करते हैं, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें।